पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। एटीएस की टीम ने सहारनपुर के देवबंद से जैश ए मोहम्मद के 2 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आतंकी युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ने का काम करते थे। इन दोनों आतंकियों के कब्जे से पुलिस ने जिहादी ऑडियो वीडियो सहित 2 पिस्टल और बड़ी मात्रा में गोलियां बरामद की है। डीजीपी ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। बताते चले कि कल प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने अपने कार्यालय के नवीन सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि एटीएस की टीम ने तड़के सहारनपुर के देवबंद से शाहनवाज नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसका एक साथी भी पकड़ा गया है। ये दोनों जैश ए मोहम्मद के सक्रिय सदस्य हैं। ये युवाओं को जैश ए मोहम्मद में भर्ती करने के लिए काम करते थे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि शाहनवाज आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक्टिव मेंबर है। पुलिस ने इन दोनों के पास से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। पुलवामा का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर का। ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये शहनवाज जो है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, उसका एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है और ये वर्तमान में सहारनपुर में आकर उसे ये टास्किंग दी गई है कि जैश ए मोहम्मद के लिए वो नए आतंकी को रिक्रूट करे। उसी तरह मलिक जो है, अहमद मलिक, वो पुलवामा का रहने वाला है और वो भी बिना एडमिशन के वहाँ छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा था।